अस्सलाम स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था पेटेंट, नहीं नहीं पेटेंट को नहीं डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था फ्रॉड एंड मिसयूज को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आ जाता है पेटेंट। ठीक है, पेटेंट क्या होता है मैं आप लोगों को बता दूं। जब भी आप कोई न्यू इन्वेंशन करते हैं, आप कोई न्यू डिस्कवरी करते हैं, न्यू कोई आर्टिकल लिखते हैं, कोई टॉपिक लिखते हैं, ठीक है, या किसी चीज़ पर रिसर्च करते हैं, तो उसका आपको पेटेंट लेना पड़ता है। ठीक है, यानी पेटेंट का मतलब होता है वो एक चीज़ है, एक प्रोडक्ट है, वो आपके काम से, आपके नाम से रजिस्टर्ड हो जाती है। ठीक है, जिस तरह आप लोग लेट अस सपोज अगर कोई इंडस्ट्री शुरू करते हैं, कोई फैक्ट्री शुरू करते हैं, या कोई भी आप काम का आगाज़ करते हैं, तो उसके लिए आपको उस कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, तो उसके लिए हमें पेटेंट लेना पड़ता है। तो आप ज़रा हमने इसको देखना कि यानी ये किस तरह इफेक्ट करता है। लिखा है पेटेंट इज़ अ वे टू प्रोटेक्ट एन आइडिया, यानी ये हमारे पास एक वे है जिसके थ्रू हम आइडिया को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यानी प्रोटेक्ट करने का मतलब ये, अब आप लोगों को पता है फिजिक्स में जो है न्यूटन्स के लॉज हैं, आइंस्टाइन के लॉज। अब वो जो न्यूटन्स के लॉ है वो उस टाइम पे पेटेंट का इतना नहीं था, लेकिन उस बंदे ने डिस्कवरी की और वो जो डिस्कवरी थी या जो उसका आइडिया था वो उसके नाम से मशहूर हो गया, फेमस हो गया। अब पेटेंट का फ़ायदा ये होता है जब आप पेटेंट रजिस्टर्ड करवा लेते हो, बाय कर लेते हो, बेसिकली इसे बाय नहीं करना होता, सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। जिस तरह फेसबुक वगैरह आप यूज़ करते हो तो वहाँ पर अपनी नाम डिटेल और सारा बताते हो कि जी मेरा नाम ये है, मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ, ये करता हूँ, यहाँ पे मैं रहता हूँ और इतनी मेरी इनकम है एक्सेट्रा जो भी है, तो वो आपके नाम से सेव हो जाती है। इसी तरह यहाँ पे आपकी जो भी इन्वेंशन, जो भी आप काम किया होता है, वो आप लोग उसको रजिस्टर्ड करवा लेते हो, और फिर अगर कोई दूसरा उसके रिलेटेड काम करता है या उस टॉपिक पे काम करता है तो उसे पता लग जाता है कि ऑलरेडी इसके ऊपर काम हो चुका है, और वो जो है अगर करेगा तो वो उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। ठीक है, यानी आपने भी रिसर्च की, उसने भी रिसर्च की, डेफिनेटली आपने पहले रिसर्च की, आपने रजिस्टर करवा लिया, तो फिर वो आपके नाम से चलेगा, उसको रजिस्ट्रेशन या उसके ऊपर वर्क करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लिखा इफ़ यू आर डूइंग रिसर्च इन सम फील्ड एंड यू हैव एन आइडिया देन यू मस्ट गेट पेटेंट फॉर डैट आइडिया, तो आपको इसके लिए पेटेंट भी लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसकी मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। इसको आपने जो है सीरियसली, यानी मूवी है एक्चुअली, एक मूवी थी रोबोट आई थिंक सो, ठीक है, तो जो उसका पहला पार्ट था उसमें जो जब वो बनाता है रोबोट को, तो जब वो उसकी इवोल्यूशन के बाद, तो वो कहता है कि जी जब तक इसकी पेटेंट नहीं हो जाती, जब तक इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाती, तो फिर ये मेरे लिए मुश्किल है। ठीक है, इसीलिए कोई भी आप प्रोडक्ट लेते हो तो उसकी पहले पेटेंट वगैरह, रजिस्ट्रेशन वगैरह करवानी पड़ती है। इट गिव्स यू द राइट टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम मेकिंग और सेलिंग एन इन्वेंशन यूजिंग योर आइडिया। अदरवाइज़ क्या होगा कि जी आप लोग लेट अस सपोज पेंट लेने जाते हैं, मास्टर का दो जगह पर पेंट है, हम पूछते हैं जी दोनों में फ़र्क क्या है, एक की प्राइस ज़्यादा है, एक की प्राइस कम, तो डेफिनेटली जिसकी प्राइस ज़्यादा होगी वो हमारे पास एक ओरिजिनल प्रोडक्ट होगा, और जिसकी प्राइस लो होगी वो फेक होगा। पेटेंट से क्या होता है, लेट अस सपोज अगर आपने कंपनी या कोई आप लोगों ने रिसर्च कर लिया है और आप लोग जो है आप लोगों ने पेटेंट वगैरह करवा लिया उसका, लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा उस पेटेंट को यूज़ करता है या आपकी कंपनी का नाम या उसकी डिटेल यूज़ करके वो सेम प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करता है या उसको यूज़ करने की कोशिश करता है, तो होता क्या है, फिर जिसके पास ओरिजिनल पेटेंट होता है वो उस दूसरे बंदे पे कंप्लेन कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यही वजह है कि हमारे पास जो लोकल कंपनीज़ हैं या जो छोटी छोटी कंपनीज़ हैं, आपने अक्सर देखा होगा जो गली मोहल्लों वगैरह में है, तो वो जो है डिफरेंट कंपनीज़ के जो है रैपर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उनके शॉपर इस्तेमाल करते हैं, उनके गत्ते वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ये जो पेटेंट है ना, इसका आपको ज़्यादातर इफेक्ट जो है बेसिकली एजुकेशन में देखने में इस्तेमाल आएगा, और जो हमारी रजिस्ट्रेशन है, जो हमारी कंपनीज़ है वहाँ पर इस्तेमाल आएगा, फैक्ट्रीज वगैरह में इस्तेमाल आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसकी जो स्टूडेंट्स या जो टीचर्स या फिर जो स्कॉलर या जो रिसर्च वगैरह करते हैं ना, वो बेसिकली अपना सारा वर्क जो है एक दफ़ा सुपरवाइज़र ने अप्रूव करवा लिया, उसके बाद उसकी पेटेंट वगैरह करवा लेते हैं। बेसिकली डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, डिफरेंट जो है आप लोग कह रहे हैं वेबसाइट होती है, जहाँ पे हम लोग इसे रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, और फिर हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हमें पता लग जाता है कि जी किस बंदे ने किस टॉपिक पर क्या काम किया हुआ है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब जैसा ये अभी एक लैपटॉप है, ठीक है, यानी लेट अस सपोज अगर एक गेम है, ये बैटल फील्ड का वॉलपेपर, ठीक है, अब ये जो करेक्टर है ये बेसिकली बैटल फील्ड वालों ने बनाया, कोई दूसरी गेम इस सेम टाइप का करेक्टर नहीं बना सकती। हाँ, वो यहाँ पे इसको चेंज कर लेगी, ठीक है, यहाँ पे कुछ और कर देगी या गन की जगह कुछ और कर, यानी इसमें चेंजिंग कर सकती है, वो सेम टू सेम ऐसा डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं बना सकती। ठीक है, जैसे लेट अस फॉर एग्जांपल देते हैं आप लोगों को, मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड देखिएगा, ठीक है।
अब ये देखें, ये है मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। ये क्या होता है ये आप लोग अभी डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे 10th क्लास में प्रोबेबली, या पता नहीं क्योंकि लास्ट है अभी तक तो ये 10th क्लास में है। अब आप जब तक ये 9th क्लास के जो स्टूडेंट 10th में जाएंगे तो सिलेबस चेंज हो चुका होगा, तो पता नहीं वो ये होगा भी या नहीं होगा। अब देखें यहाँ पर जो मैं लिखता हूँ, ठीक है, या इसकी मैं स्टाइलिंग करता हूँ, ये देखें ये स्टाइलिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका ये चेंज करता हूँ, ये देखिएगा आप लोग, ये देख रहे हैं ना किस तरह चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये देखें, ये आप लोगों ने देखी ना कि चेंजिंग किस तरह हुई। अब ज़रा यहाँ पर देखिएगा, मिस्टेक आई थिंक सो, ये देखिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब डेफिनेटली ये देखिएगा मैंने जिसका वहां पे किया ना सेम, मैं यहाँ पर भी सेम टू सेम उसको कर सकता हूँ, ये देखिएगा, ये देखें ये सारा मैंने सेलेक्ट किया, ये देखें, ठीक है। इसका भी मैं यहाँ पे क्या, ये देखें, ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी जो है डिफरेंट सेम टू सेम। अब ये आपने देखा ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, यानी एक अलग-अलग सॉफ्टवेयर है, और ये जो है ये हमारे पास एक अलग-अलग सॉफ्टवेयर है। लेकिन अब होता क्या है कि दोनों का काम तो सेम है, लेकिन जो है दोनों डिफरेंट कंपनीज ने रजिस्टर्ड करवाए हैं, दोनों की वर्किंग और जो स्ट्रक्चर है वो क्या है डिफरेंट है। तो ये जो है मैं उम्मीद करता हूँ ये पेटेंट की समझ आ गई होगी। एग्जाम्पल देखें, लिखा है इफ़ यू आर डूइंग रिसर्च वर्क इन मेडिकल फील्ड एंड गिव अ न्यू आइडिया टू ट्रीट अ पार्टिकुलर डिजीज, सम फार्मास्यूटिकल कंपनीज कैन मेक मेडिसिन ऑन द बेसिस ऑफ योर आइडिया। यानी वो बना सकती हैं एथिकली, दे मस्ट सीक योर परमिशन बिफोर मेकिंग मेडिसिन यूजिंग योर आइडिया। यही वजह है कि जिस कंपनी में जो मेडिसिन वगैरह बना रहे होते हैं ना, उन्हें पहले पेटेंट लेना पड़ता है, यानी जिस बंदे से ने काम किया उससे परमिशन लेनी पड़ती है, उसको पर मंथ या पर ईयर उसको इतना पे करना पड़ता है। दे शुड ऑल्सो पे अ सर्टेन अमाउंट अपॉन सेल ऑफ द मेडिसिन, फॉर दिस पर्पज़ यू मस्ट गेट अ पेटेंट, तो उसके लिए पेटेंट लेना पड़ता है। तो ये आप समझ लगे कि यानी पेटेंट कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने पेटेंट ना लिया होता तो जो गूगल की ड्राइव है, ये जो गूगल का वर्क है, ये उसने ले जाना था, और फिर जो है वो उनका कोई फ़ायदा नहीं होना था। आगे है जी कॉपीराइट लॉ। कॉपीराइट लॉ क्या होता है इस, ये भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। अच्छा जी कॉपीराइट, आप लोगों को मैं वेबसाइट दिखाता हूँ, देखिएगा ज़रा। अच्छा ये देखेंगे एक स्कूल की वेबसाइट है, ये देखिए लिखा है ना कॉपीराइट, कॉपीराइट के आगे सिंबल है 2020 ऑल राइट्स रिजर्व क्राफ्टेड बाय वेब डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये जो कॉपीराइट है बेसिकली उन्होंने ये इसलिए लगाया ताकि कोई भी दूसरा बंदा इस वेबसाइट को कॉपी ना कर सके, इसके सेम इसके जैसा सेम डिज़ाइन ना बना सके, और जो है इसको आप लोग कह लें कि इसके अंदर कोई चेंजिंग वगैरह या अपना जो सैम्पल बनाना है वो इस जैसा ना बना सके। तो ये होता है कॉपीराइट लॉ, ठीक है। कॉपीराइट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ पेटेंट एज कॉपीराइट लॉ सेज दैट सम आइडिया और प्रोडक्ट कैन नॉट बी कॉपीड, ठीक है।
यहाँ पर क्या होता है पेटेंट में, मैं बता दूंगा, लेट अस आपने रिसर्च किया ना, तो दूसरा बंदा जो रिसर्च करता है वो आपके आइडिया का 10 to 15% यूज़ कर सकता है, ठीक है। यानी डेफिनेटली न्यूटन ने इन्वेंशन की थी, लेकिन आइंस्टाइन ने न्यूटन की जो है वर्क को या उसके आइडिया को लेकर इसको आगे प्रोसीड किया था। इसी तरह कॉपीराइट में क्या होता है, आप लोग दूसरे बंदे से, बल्कि पेटेंट में आप लोग दूसरे बंदे से लेकर थोड़ा सा यूज़ कर सकते, टोटली उसको यूज़ नहीं कर सकते कि 50% जो है आपका और उसका सेम रिसर्च वर्क मैच कर रहा हो, ठीक है। कॉपीराइट में वो कहते हैं जी, कॉपीराइट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ पेटेंट एज कॉपीराइट लॉ सेज डैट सम आइडिया और प्रोडक्ट कैन नॉट बी कॉपीड, ठीक है, इसको जो है वो आप कॉपी नहीं कर सकते। अच्छा, इसको ज़रा आज कंप्लीट कर ही लेते हैं। तो लिखा है द राइट आर रिजर्व फॉर कॉपिंग यूजुअली इफ अ प्रोडक्ट इज कॉपीराइट प्रोडक्ट, जिससे मैंने बताया कि वो वेबसाइट कॉपीराइट है, देन वी सी अ सिंबल ऑफ कॉपीराइट, तो ये इस तरह का सिंबल आता है एज शोन इन द फिगर। फॉर एग्जाम्पल द बुक यू सी यू आर रीडिंग इज कॉपीराइट प्रोडक्ट, ठीक है। अगर आप लोग ये अपनी बुक ही देखें तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, आप लोगों की जो बुक है, कोई इशू आ रहा है, चले मैं आप लोगों को यहाँ से दिखा देता हूँ। यहाँ पे नहीं शो हो रहा, ठीक है। आप लोगों की जो बुक्स, जो हैंड रिटन बुक्स हैं, जो प्रिंटेड बुक्स हैं हार्ड फॉर्म वाली, उसमें इजीली अवेलेबल हो रहा होगा, ठीक है। अदरवाइज मैंने आप लोगों को एक जो है वो कॉपीराइट की एग्जांपल दिखा दी है कि इस तरह का सिंबल होता है, ठीक है। अदरवाइज कुछ बुक्स के ऊपर भी लिखा हुआ होता है, मैं आप लोगों को अपनी जो है दिखाता हूँ बुक्स, उन पर आई थिंक सो लिखा हुआ होगा, देखिएगा। अच्छा जी, एक सेकंड, जस्ट आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। नहीं, इसमें नहीं लिखा, दूसरी बुक देखते हैं, एक सेकंड। बुक्स के ऊपर भी ना एक्चुअली लिखा होता है, अभी मिल नहीं रही तो मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। एक्चुअली जो हैंड रिटन बुक जो हार्ड फॉर्म में होती है ना, वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो, तो ये कॉपीराइट आप लोगों को समझ आ गया कि जो आप लोग बुक लिखते हैं, ये जो बुक एक इंस्टीट्यूट पब्लिश करता है, जो कि ऑक्सफोर्ड या फिर आप लोग कह लें इंटरनेशनल बुक्स होती हैं हार्ड फॉर्म वाली, उसके ऊपर ये बाकायदा कॉपीराइट का सिंबल लिखा होता है। ये जो बुक्स हम लोग डाउनलोड करते हैं, ये जो हमारे पास होती हैं, एक्चुअली ये नेट से डाउनलोड होती हैं डिफरेंट वेबसाइट से, तो इसलिए वो कॉपीराइट का सिंबल इसमें से हटा देते हैं। तो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा कि बेसिकली पेटेंट आप लोगों की रजिस्ट्रेशन, जो आप लोग रिसर्च वर्क करते हैं, और कॉपीराइट होता है इट इज़ डिफरेंट, इट हैज़ सम आइडिया और प्रोडक्ट कैन नॉट बी कॉपीड, यानी इसके अंदर आप टोटली कॉपी नहीं कर सकते। यहाँ लिखा ना प्रोटेक्टेड कॉपीराइट, ठीक है, यानी आप लोग कोई भी एक बाहर से प्रोडक्ट खरीदते हो, ठीक है, इधर वो मोटरसाइकिल है या फिर लेट अस सपोज किसी आप लोग कह लो कि मोटर व्हीकल का या फिर किसी भी चीज़ का पार्ट है, तो उसके ऊपर ये उसके बॉक्स के ऊपर ये लिखा होता है, ठीक है। द राइट्स आर रिजर्व फॉर कॉपिंग यूजली इफ अ प्रोडक्ट इज कॉपीराइट, तो ये आप लोगों ने इसको पढ़ लेना है। लिखा है सिमिलरली सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स आर मोस्टली कॉपीराइट प्रोटेक्टेड, इट मीन्स डैट वी कैन नॉट कॉपी देम लाइक एम एस विंडोज, एम एस ऑफिस, तो ये आप लोगों को मैंने एग्जाम्पल दी।
कॉपीराइट कैन डील विद मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ डाटा कंप्यूटर प्रोग्राम डेक। ठीक है, तो ये आज के लिए दो टॉपिक्स है, ठीक है। एक था पेटेंट और एक है कॉपीराइट। इसको आप लोगों ने बड़े डिटेल में पढ़ना है, और अगर कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को इसका आंसर कर सकूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।